बड़ी खबर में अब हम बात करेंगे हरियाणा के कुछ स्कूलों की, और हरियाणा के स्कूलों को खंडर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जी हां, जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हरियाणा के सरकारी स्कूलों की है जो खंडरों में चल रहे हैं। इन स्कूलों की बिल्डिंग को खतरनाक घोषित किया जा चुका है, बावजूद इसके ये स्कूल ऐसी बिल्डिंग्स में चल रहे हैं जो कभी भी गिर सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है, पर शायद किसी को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है। हरियाणा सरकार के खोखले दावे, सरकारी स्कूलों की हकीकत, बच्चों को नहीं मिल रही सुविधाएं, डर के साए में पढ़ने को मजबूर बच्चे, एक कमरे में लगती हैं 6 क्लासें, स्कूली शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करने वाली हरियाणा सरकार के दावों की पोल खुल रही है। सूबे में सरकारी स्कूलों की जो हालत है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के नाम पर झूठ बोल रही है। हरियाणा के सभी जिलों में बने सरकारी स्कूलों में से ज्यादातर स्कूलों की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, पर ना तो हरियाणा सरकार और ना ही सरकारी स्कूलों के लिए बनाए गए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी ही इस ओर कोई खास ध्यान दे रहे हैं। सरकार के सब पढ़े और सब बढ़े से लेकर आओ बच्चों स्कूल चले के नारे फ्लॉप साबित हो रहे हैं। जो हरियाणा सरकार जोर देकर ये नारा देती है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहती है, पर स्कूलों में आकर जब बच्चों के अभिभावक यहाँ के हाल देखते हैं तो वो शायद कभी भी अपने बच्चों को यहाँ भेजने के बारे में सोचते भी नहीं होंगे। यमुनानगर की रामपुरा कॉलोनी, स्कूल की बिल्डिंग में मात्र एक कमरा, जमीन पर बैठकर होती है बच्चों की पढ़ाई, एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं दो स्कूल। इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं जब MH1 न्यूज की टीम ने यमुनानगर के रामपुरा और पातालपुरी कॉलोनी में बने सरकारी स्कूलों का जायजा लिया। रामपुरा कॉलोनी में हमारी टीम बच्चों की कक्षाएं देखकर हैरान रह गई। दरअसल यहां एक ही कमरे में 6 कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाया गया था, वहीं इन बच्चों को बेंच पर बैठाने की बजाय जमीन पर ही बैठकर पढ़ाई करवाई जा रही थी। वहीं इसी स्कूल के कमरे के बाहर खुले आसमान में 6 कक्षाएं और चल रही थी। सर्दी के मौसम में जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा सरकार के दावे कितने खोखले हैं। आखिर करोड़ों रुपए की राशि कहां खर्च की जा रही है? इस स्कूल के एक कमरे को छोड़कर बाकी पूरे स्कूल की बिल्डिंग को खतरनाक घोषित किया जा सकता है, यानी ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। पर न तो इस बिल्डिंग को तोड़ा ही जा रहा है और न ही इसकी मरम्मत करवाई जा रही है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कई बार इस बिल्डिंग के अंदर भी चले जाते हैं, पर इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। वहीं यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि बस इन्हें एक ढंग का कमरा दे दिया जाए, बाकी तो ये खुद ही पढ़ाई कर लेंगे। बिल्डिंग गिरने वाली है और हमें बैठने के लिए एक रूम चाहिए। तो बाकी पढ़ाई ठीक होती है आपकी? टीचर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्या चाहिए अब आपको? हमको बस उधर बिल्डिंग गिरने वाली, हम बरामदे में बैठते हैं, एक रूम चाहिए। वही पातालपुरी स्कूल की बिल्डिंग तो पहले से ही खतरनाक घोषित हो चुकी है, इसी वजह से अब ये दोनों स्कूल रामपुरा कॉलोनी के स्कूल में लग रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि पातालपुरी स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत क्यों नहीं करवाई जा रही? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ किए जा रहे हैं? क्या हरियाणा सरकार और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्यों प्रशासन की ओर से इस तरह का ढीला रवैया अपनाया जा रहा है?
यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।